हेलो गाइस, तो कैसे हो। मैं आगे एक नई वीडियो लेके। तो गाइस, इसमें होता है कि हमारा नंबर 3 होता है जो कि मतलब पहले एग्जिट मार देता है। मतलब पता नहीं क्या इशू हो गया, मतलब लॉकडाउन के बाद मतलब नेट तो भाई खत्म ही हो गया नेट, मतलब क्या ही बोलो। तो गाइस, इस वाले बैच में हम लोग उतरते हैं स्कूल में। तो गाइस, मतलब स्कूल में एक पूरी स्क्वाड आती है, तो भाई देखते हैं इनको। तो गाइस, यहाँ पे मेरे को सबसे पहली गन मिलती है, मतलब कट्टा भाई। मतलब सच में भाई, एक पूरी स्क्वाड के सामने मतलब कट्टा, तो क्या ही कहें। तो गाइस, आगे जाते तो मेरे को थोड़ा शॉटगन मिलती है, मतलब कि जो मतलब थोड़ी ठीक है, मतलब कट्टे से तो भाई बेटर ही है। तो गाइस, यहाँ पे अमन को डीपी मिल गई होती है तो वो एक बंदा नॉक कर देता है, और मेरे को यहाँ पे M16 मिलती है। तो मैं सोचता हूँ जाके मतलब उस बंदे को फुल फिनिश मार दूँ, लेकिन वो बंदा मतलब दिखता ही नहीं, मतलब गायब सा हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बंदे खोजने लग पड़ते हैं। तो मेरे को 2 फुटस्टेप आते हैं जो कि नीचे से होते हैं, लेकिन हम लोग रश नहीं करते। क्या पता वो लोग फील्डिंग बिछा के रखे और हम लोग मतलब नीचे जाए तो मतलब गेम बच जाए हमारा। तो गाइस, हम लोग ऊपर थोड़ा लूट करते हैं फिर नीचे रश मारेंगे। तो गाइस, ये मतलब भाई साहब मतलब क्या ही कर रहे हैं, मतलब ऑफलाइन पढ़े थे ये भी शायद, मतलब इनका भी कुछ नेट इशू है। तो गाइस, हम लोग यहाँ पे नीचे जाते हैं, मतलब देखना क्या ही स्कैम होगा भाई, मतलब क्या ही स्कैम होगा। तो गाइस, यहाँ पे होता है कि एक बंदा नॉक करके मेरे ही घर में आ जाता है, मतलब ये बात। लेकिन अमन होता है कि मतलब कि जिसके कारण मैं बच गया हूँ यार। तो यहाँ पे अमन और कृष्णा मतलब संभाल लेते हैं। यहाँ पे कृष्णा फुल फिनिश मार देता है उस बंदे को और आखिरी में दे देता है। यहाँ पे कृष्ण रिवाइव दे ही रहा होता है कि मतलब एक और बंदे के फुटस्टेप आते हैं, लेकिन गाइस हमें कंफर्म नहीं होता कि वो बॉट है कि बंदा है। तो यहाँ पे वो कृष्णा को स्पॉट हो जाता है, तो कृष्णा उसको फुल फिनिश मार देता है। तो गाइस, यहाँ पे हील करके मतलब थोड़ा लूट करेंगे, मतलब क्योंकि हमारे पास थोड़ी अच्छी गन्स तो थी नहीं, तो मतलब लूट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे स्कारल मिल जाती है जो कि मतलब शॉटगन से भाई बेटर है वो। तो गाइस, मेरे को यहाँ पे AKM दिख जाती है, तो भाई M16 से भाई बहुत ही बेटर गन है, तो भाई मैं यहाँ पे गन चेंज कर देता हूँ। तो गाइस, मेरे को एक और फुटस्टेप आती है, तो मैं भाई मतलब थोड़ा TPP लेके देखता हूँ कौन है। तो गाइस, मतलब बंदा नहीं होता तो ये अपने बॉट चचा होते, तो गाइस निपटाते हैं इनको भाई। फ्री का किल कौन छोड़ता है। तो गाइस, उस बॉट को निपटा के निकल ही रहे होते कि भाई अपने कृष्णा भैया को एक और बॉट दिख जाता है, तो भाई कृष्णा उसको फुल फिनिश भी मार देता है नॉक करने के बाद। तो गाइस, हम लोग अपार्ट्स की तरफ निकल रहे होते हैं ना गाइस, तो भाई एक और बॉट दिखता है, लेकिन गाइस हम लोग उसको मारते नहीं भाई, मतलब मजे लेंगे उस बॉट के, मतलब बस आप देखते रहो भाई, मतलब बहुत ही मजा आने वाला है, मतलब क्या ही मजा होगा बॉट के साथ। तो गाइस, एक बॉट दिख जाता है हमको यहाँ पे, लेकिन कृष्णा शूट करता है उसको, लेकिन मैं उसको मना करता हूँ भाई, मत मार चल मजे लेते हैं। तो भाई, हम लोग बॉट के पास जाते हैं। यहाँ पे ना हमारा अमन ऑफलाइन हो गया था, पता नहीं कुछ इशू होगा। तो गाइस, यहाँ पे कृष्णा को बॉट मार के लाल कर देता भाई, मतलब क्या ही, मतलब बॉट खतरनाक हो गया भाई, अगर इनको AKM दे तो बंदे पेल देंगे ही। अच्छा है कि यहाँ पे UMP उसके पास। तो अगर जो बंदा है मतलब रोजो की तरह भागने लग जाता है, तो मैं सोचता हूँ भाई फ्री का किल चला जाएगा, तो यहाँ पे मैं उसको नॉक कर देता हूँ एंड फिनिश भी कर दूंगा। तो गाइस, उसको फिनिश करके हम लोग भाई अपार्ट्स निकल जाते हैं थोड़े लूट करने। तो भाई लूट कर ही रहा हो तो कि एक और बंदे की फुटस्टेप आती है, तो भाई मतलब ये भी बॉट ही निकलता है, तो भाई फिनिश कर देते हैं इसको।
था भाई, कितने बोर्ड भर गए यार गेम में, क्या ही बताऊं मैं। तो गाइज उस बॉट को निपटाने के बाद जब मैं निकल ही रहा था, तो गाइज एक और फुटस्टेप आता है मेरे को राइट वाले पार्ट्स में से, लेकिन भाई कंफर्म नहीं होता मेरे को वो बंदा है कि बॉट है, तो मैं डायरेक्ट रश नहीं करता। लेकिन भाई मतलब भाई जिस तरह से वो बंदा आके रुका ना भाई, मतलब समझ गया कि बॉट है। तो भाई इतने देर में गाड़ी रश करती है हमारे ऊपर, तो भाई देखो अभी क्या होता है। तो गाइज यहाँ पे अमन एक बंदा नॉक कर देता है और मैं उसको फुल फिनिश मार देता हूँ। और गाइस यहाँ पे कृष्णा ओपन भागने लग गया होता है, और अमन एक और बंदा नॉक कर देता है, तो मैं कृष्णा को पीछे पीछे बुला लेता हूँ। तो गाइस मेरे को यहाँ पे एक बंदा दिखता है जो कि राइट वाले अपार्ट्स में जा रहा होता है, तो मैं और कृष्णा एक साथ घुसते हैं अलग अलग गेट से। तो गाइस देखना अभी क्या होने वाला, मतलब देखना क्या ही होगा। तो गाइस यहाँ पे मैं और कृष्णा नॉक हो गया होता है, बस अमन बचा होता है। तो गाइस देखना भाई मतलब क्या ही बचेंगे हम लोग, मतलब क्या ही बचेंगे हम। तो गाइस यहाँ पे अमन बंदे को फिनिश कर देता है, तो गाइस यहाँ पे मतलब पूरी स्क्वाड हम लोग मार देते हैं, तो यहाँ पे रिवाइव दे देता है हम सबको। तो गाइस अगर आपको ये क्लच पसंद आया होगा ना भाई, भाई एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है यार, प्लीज़ भाई यार। हम लोग 700 के बहुत ही करीब है भाई, 700 तक पहुंचा दो यार। तो भाई जब हमने चार बंदे निपटाए होते हैं, तो भाई हम लोग थोड़ा लूट करते हैं भाई, इनसे हमें एमओ मिल जाते हैं, मतलब एमओ तो थी नहीं हमारे पास, मतलब बंदे लूट लाए थे यार, मतलब बहुत सी लूट लेके आए थे। तो भाई यहाँ पे एक बंदा बाहर बाहर होता है नॉक, तो भाई इसको लूटने लूटने जाता हूँ, तो भाई मतलब देखना क्या ही होगा यहाँ पे भी भाई, मतलब उन्हें लूटने का भी अलग ही सीन है, मतलब कि मतलब जो हम लेना चाहते हैं वो तो आता नहीं बैठे। मतलब मैं कब से 6-6 लेने की कोशिश कर रहा था, मतलब 6 आते नहीं, जैसे मैं 8 फेंकता हूँ ना भाई 6 अपने आप आ जाता है, मतलब क्या ही बताऊँ। तो गाइस यहाँ पे गाड़ी रश कर देती है हमारे ऊपर, तो गाइस निपटाते हैं इनको भी। मतलब कैसे देखना, मतलब क्या ही स्कैम होगा भाई, मतलब ये तो हद हो जाती है भाई अब तो, मतलब क्या ही सिचुएशन बन जाएगी अभी, थोड़ी देख अभी देखना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अमन नॉक हो जाता है, तो कैसे मैं यहाँ पे डीपी पे लेने लग जाता कि अगर वो बंदे सीढ़ी पे चढ़े तो मैं इनको फिनिश मार सकूं, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो गाइस एक बंदा बाहर होता है, तो मैं उसको क्राउच एंड शूट करके नॉक एंड फिनिश मार देता हूँ। तो मतलब अब तीन बंदे बचे हैं और हम भी तीन बचे हैं, मतलब 3v3 सिचुएशन है अभी। तो जो बंदा मैंने पीछे नॉक एंड फिनिश मारा, तो मैंने सोचा कुछ लूट लेता हूँ, मतलब कुछ मतलब स्नाइपर मिल जाए उससे, लेकिन ऐसा होता नहीं है गाइस। लेकिन मेरे को लेवल 3 का सामान मिल जाता है उससे, लेवल 3 का बैग मिल जाता है, 8x फिट्स मिल जाता है। तो भाई इतने देर में कृष्णा नॉक हो जाता है ना, और भाई अमन भाई ऑफलाइन हो जाते हैं भाई, मतलब लेकिन अमन ऑफलाइन होने के बाद मतलब तुरंत आ जाता है यहाँ पे, मतलब 2v3 सिचुएशन हो गया है। और भाई यहाँ पे अमन भी नॉक हो जाता है, मतलब कि 1v3 सिचुएशन हो गया है, मतलब भाई क्या ही, मतलब क्या ही स्कैम था ये, मतलब 1v3 सिचुएशन हो गया। लेकिन गाइस मैं, लेकिन वो बंदे रश नहीं कर रहे थे, इसलिए मैं जाके उनको रिवाइव दे देता हूँ।
तो कैसे यहाँ पे हम लोग सबको बचा लेता हूँ मैं, मतलब कि स्मोक कर देता हूँ। तो कैसे यहाँ पे अमन दे देगा कृष्णा का रिवाइव, और मैं भाई खिड़की पे जाके मतलब कि देखता हूँ कि वो लोग रश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर रश कर रहे होंगे तो मतलब एक दो बंदे नॉक कर दूँ। तो कैसे यहाँ पे मैं डीपी भी लेता हूँ कि मतलब कि कोई एक बंदा दिखे। तो कैसे मेरे को बंदा दिखता है जो कि टेरेस पे होता है, तो मैं नीड करता हूँ कि इनके में सोचता हूँ कि भाई नौ क्या है, थोड़ा कुछ डैमेज पड़े लेकिन भाई ऐसा कुछ होता नहीं है। तो कैसे एक बंदा जंप कर रहा था तो भाई इसको नौ घंटे पूरा फिनिश कर देंगे। तो गाइस 1v3 सिचुएशन से भाई अभी 2 मतलब 3v2 सिचुएशन हो गई, मतलब देख रहे हो कैसे पलटी मारा सब पूरी सिचुएशन। तो गाइस अभी 3v2 सिचुएशन है। तो गाइस वो लोग बंदे मतलब डर के मतलब भागने लग पड़े थे, लेकिन गाइस यहाँ पे अगर मेरे पास M4 होती ना तो मैं उनको गाड़ी में मार देता, लेकिन भाई मतलब क्या बताऊँ, स्कार हिलती भाई, स्कार हिल मतलब इतनी हिलती है ना यार, क्या ही बताऊँ मैं। तो गाइस यार मैं दो बॉडी देता हूँ तो मतलब ज्यादा कुछ होता नहीं, लेकिन उनकी गाड़ी तो गाइस यहाँ पे बंदे उतर गए होते हैं ना तो हम लोग मतलब रश मार देते हैं और अमन को बोलते हैं इस वाले अपार्ट्स में चढ़ जाए। भाई उन्होंने मतलब सोचा भी नहीं होगा मतलब बंदे यहाँ पे आके हमें मार देंगे भाई, मतलब क्या स्कैम है बंदे साथ, अभी देखिए आप। तो गाइस जैसे मेरे को दोनों बंदे स्पॉट दे गाइस, तो मतलब स्कारल पे 4x और सिंगल पे मतलब निपटाते हैं इनको। तो बस पता नहीं हो रहा था मतलब यहाँ पे मतलब गोली लगी नहीं थी उस बंदे को, लेकिन भाई मतलब कुछ भी करके वो नॉक हो जाता है। तो बस एक दूसरे मतलब उनके भाई सब निकल रहे होते हैं भाई, उनको भी निपटाते हैं। तो भाई उनको हेडशॉट पड़ जाता है मतलब कि दोनों बंदे फिनिश हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मतलब इन दोनों को मार के हम लोग जोन में निकलते हैं। तो भाई हम निकल ही रहे होते कि हमें एक टेरिस पे बंदा दिखता है भाई, निपटाते उसको। तो बस यहाँ पे मेरे स्कारल पे 6x, मैंने सोचा कि मतलब कि बैक क्राउच करके मतलब ले लूंगा, लेकिन नहीं भाई मतलब क्या ही गन भाग रही है भाई देखो। तो भाई मैं लेट के भाई कोई भी गन अच्छी चलती है भाई तो निपटाती है इसको भाई। तो कैसे पे बंदा नॉक हो जाता है तो मैं अमन और कृष्णा को बोलता हूँ तुम लोग राइट से देखो ना, मैं लेफ्ट से फ्लैंक मारता हूँ। तो कैसे मैं लेफ्ट से पूरा फ्लैंक मारता हूँ क्योंकि कंफर्म नहीं था कि उसके अंदर कितने बंदे, लेकिन भाई मेरे को लगा एक बंदा, लेकिन नहीं भाई एक नहीं होते भाई। ये देखना अभी क्या ही स्कैम होगा, मतलब कितने कितने बंदे होते हैं अंदर। और कैसे राइट से दो बंदे आ रहे होते हैं, मेरे को लगा वो इसी के बंदे होते, लेकिन नहीं भाई वो अलग अलग बंदे होते। तो भाई मैं घर के नीचे खड़ा होकर देखता हूँ कि कितने फुटस्टेप आ रहे, लेकिन नहीं भाई एक ही के फुटस्टेप आ रहे होते। मैं सोचा कि नॉक वाला है, लेकिन नहीं भाई अभी देख लो। भाई अंदर बंदों ने घर बना रखा था, मतलब कि भाई क्या ही बोलूं, एक फुटस्टेप नहीं दे रहे थे भाई, लेकिन कुछ भी करके फिनिश कर देते हैं इनको। और भाई सीढ़ी पे नॉक वो लेट कर देता हूँ कि बंदे रश नहीं कर पाए। और यहाँ पे हमारे एक बंदे को नॉक कर देता है और फिनिश मार देता है। तो गाइस यहाँ पे दो बंदे आए थे पीछे से, तो मतलब एक बंदा फिनिश हो गया, मतलब एक बंदा और बचा है। तो गाइस वो बंदा नेड करने लग पड़ता है, लेकिन उसकी पोजीशन हमें पता नहीं होती।
तो अगर जब आखिरी बंदा अमन को स्पॉट हो जाता है तो अमन उसको नॉक करता है, लेकिन मतलब नॉक किया एक और बंदा होगा तो भाई मैं वो मॉली करता हूँ कि इन द सेंस कि वो रिवाइव कर रहा तो थोड़ा डैमेज या नॉक हो जाए। लेकिन कैसे ऐसा होता नहीं, वो बंदा वहां पे होता ही नहीं। तो गाइस मैं सोचता हूँ कि मतलब घर के मतलब पीछे से ब्रोकन वॉल होके तो मतलब कि बंदा दिख जाए और मैं उसको फिनिश मार दूँ, लेकिन नहीं यार वो बंदा अकेला ही होता है, पता नहीं मतलब क्या करने आया था भाई, इसको फुल फिनिश मारते हैं। और गाइस जोन भी आने वाला था, मतलब टाइम था लेकिन हम लोग भाई जोन पर निकलते हैं। तो गाइस यहाँ पे गाड़ी नहीं होती तो मैं और कृष्णा बगीचे जा रहे थे, तो हम लोग अमन को बोलते वेट करने को, लेकिन नहीं भाई वो भाई पहले जोन में निकल गया होता है। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है कि हम मतलब जो एमके वाला बंदा था ना भाई, मतलब कि बंदा ओपन दिख जाता है मतलब, और वो गंदा फंसता है यार, मतलब क्या बताऊँ, मतलब दो दो बंदों के पास डीवी भाई, मतलब क्या ही बताऊँ, दोनों अकेले पेल देते, लेकिन नहीं भाई मैंने मारा उसको स्कार पे सिक्स, मतलब भाई भरोसा करना ही पड़ रहा था, एम4 मिल ही नहीं थी मेरे को पूरे मैच में, तो भाई उसको निपटा देते यहीं से। तो गाइस यहाँ पे कृष्णा ने भाई गोली चला दी थी डीपी के, लेकिन लगी नहीं भाई, नहीं तो भाई मेरा किल चोरी हो जाता। तो गाइस यहाँ पे 3v2 सिचुएशन था, लेकिन भाई मतलब क्या ही मैच था ये, मतलब देखना 3v2 मतलब क्या ही बंदे मारेंगे हम, इन दोनों पूरा डिसएडवांटेज था, इन दोनों बंदों का पूरा डिसएडवांटेज था, मतलब ये लोग जोन में भी नहीं होते। तो कैसे भाई बंदे स्पॉट हो जाते हैं तो उनके पास बोल्ट एक्शन होता है, लेकिन कृष्णा को भाई बहुत ही जल्दी होती है भाई, मतलब डीपी से स्प्रे मारने लगा पड़ा होता है, तो भाई मैं कुछ भी कर उसको पीछे बुला लेता हूँ, क्योंकि अगर अगर बोल्ट पड़ गया ना तो वो लोग रश कर देंगे। तो गाइस मेरे बंदे भाई बात ही नहीं मारते, लेकिन नहीं यार मान गए भाई एंड में तो बात मान गए, लेकिन भाई बहुत ही विनती करनी पड़ी तब बात मान गए। तो गाइस यहाँ पे वो लोग मतलब उन्होंने गाड़ी उन्होंने सोचा कि गाड़ी में बैठ के वो लोग जोन में आ जाए, लेकिन नहीं भाई हमने ऐसा होने होने नहीं देते, लेकिन भाई वो लोग आ जाते जोन में, कुछ भी करके जोन में नहीं आ पाते। तो गाइस यहाँ पे हम लोग स्प्रे देने लग पड़ते हैं, भाई मतलब क्या ही स्प्रे था, मतलब डीपी इधर से स्कारल, मतलब क्या ही बोलूं। तो गाइस बंदे अभी भी जोन में नहीं होते, तो गाइस बताओ भाई कमेंट करके बताओ कि कौन मारेगा इन दोनों बंदों को, भाई जल्दी से भाई वीडियो पॉज करके बताओ। तो गाइस यहाँ पे बंदा खिड़की से निकलता है, उसको मैं डैमेज देता हूँ, लेकिन कृष्णा नॉक कर देता है, और जो लेफ्ट वाला बंदा होता है ना भाई उसको अमन ले लेता है यार। तो गाइस होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो गाइस अगर अच्छी लगे तो भाई सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कर दो यार इस वीडियो को, और भाई कमेंट करके बताओ ये वीडियो मतलब कि मेरे को वॉइस ओवर करना चाहिए वीडियो में कि नहीं करना चाहिए। तो गाइस इस वाले मैच में हम मारते हैं मतलब 24 किल्स, मतलब 24 किल्स भाई।